So I'm one. Namaskar, good afternoon. You are watching PM Avidya Channels and NCRT's official YouTube channel. I'm your host of the session, Renu Bhatt. और हम इस सेशन में बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट वन पर. ये मैथमेटिक्स के 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं. और उससे पहले हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम आपको प्रोग्राम हाइलाइट्स बता देते हैं कि आप कौन कौन से प्रोग्राम हमारे पी एम ई विद्या चैनल और एन सी आर टी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं. अब से कुछ ही देर में यानी कि 2:30 बजे आपके लिए हम लेकर आएंगे सेशन 10th क्लास के सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए. सेशन नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट वन इस टॉपिक पर बात की जाएगी. और 3 बजे का समय रहेगा साइंस के 9th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए. टॉपिक विल बी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. दिस टॉपिक विल बी डिस्कस्ड. 3:30 बजे का समय रहेगा इंग्लिश के 9th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए. 4 बजे हम लेकर आएंगे वेबिनार जिसमें हम बात करेंगे एक ICT टूल के बारे में. और 5 बजे का सेशन रहेगा सहयोग का जिसमें हम बच्चों के मेंटल वेलबींग पर बात करते हैं. और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रेलिवेंट है. आज का हमारा टॉपिक है सेलेक्टिव म्यूटिज्म. तो इन सभी प्रोग्राम्स के साथ आप बने रहिए और हम आपको बता दें कि किन तरीकों से आप हमसे जुड़ सकते हैं इस सेशन में ताकि आप हमसे अपनी क्वेरीज और सवाल पूछें और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे इस सेशन में क्लियर हो पाए. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर हम बात कर रहे हैं. आप हमें करेंगे फ़ोन कॉल. हमारा टेलीफोन नंबर है 8800440559 और आप हमें करेंगे ईमेल. हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class10@ciet.nic.in. और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं यानी कि NCERT ऑफिशियल के लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़े हैं तो वहाँ पर लाइव चैट बॉक्स पर आप कमेंट छोड़ सकते हैं. अपनी क्वेरीज आप हमें बता सकते हैं. हमारी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, उनका भी परिचय हम आपको दे दें. और हमारी एक्सपर्ट है मिस सविता ग्राहक. आप टीचर हैं गीता निकेतन आवासीय विद्यालय सालारपुर रोड कुरुक्षेत्र से. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है. जी श्योर मैम. और मैम हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट वन पर चर्चा करने वाले हैं और हमने 9th ग्रेड में पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स के बारे में. तो ये सेशन में आप क्या क्या डिटेल्स और क्या क्या कंटेंट रखने वाले हैं, व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट, हमारे लर्नर्स को बताएं. जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला कि क्लास 9th में हमारे व्यूअर्स को भी ध्यान आएगा दैट they are doing that chapter in class 10th as well. So class 10th में भी हमारे बच्चों ने quadratic polynomial, linear polynomial, cubic polynomial, biquadratic polynomial इन सब के बारे में पढ़ा है. तो आज हम बात करते हैं quadratic equations के बारे में. This is a very interesting topic, dear viewers. तो हम शुरू करते हैं quadratic equations. If we talk about the quadratic equations, so here we have mentioned a quadratic equation. It is ax square plus bx plus c is equal to 0. And in this quadratic equation, let us discuss when a quadratic polynomial, as we talked about the quadratic polynomial already hum pad chuke hain grade 9 and grade 10 mein bhi. So quadratic polynomial se hi hum aage badhte hain. Jab bhi hum kisi quadratic polynomial ko equate karenge 0 ke equal, so we will say then that becomes a quadratic equation. Now if we have mentioned here ax square plus bx plus c, jab humne sirf polynomials ke bare mein padha tha to we have studied about that if I am mentioning that p of x is a polynomial and it is ax square plus bx plus c, so we say that this is a quadratic polynomial. लेकिन अगर इस पॉलिनोमियल को हम पुट कर देते हैं इक्वल्स टू जीरो, देन इट बिकम्स एन इक्वेशन. एंड सिंस द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज टू, दैट इज व्हाई इट इज क्वाड्रेटिक. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ वी माइट बी थिंकिंग कि यहां पर हमने एक स्टेटमेंट studying about combination आप जरूर पढ़ेंगे only, हाँ
हम अपने लर्नर्स को बता दें कि हम 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट वन पर चर्चा कर रहे हैं और इक्वेशंस मैम आपको बता रही हैं। और कोई भी क्वेरी आपके मन में आ रही है तो आप अपनी क्वेरीज हम तक ज़रूर पहुंचाएं, और हमारे फ़ोन नंबर हम और ईमेल एड्रेस हम आपको बता देते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559, और आप हमें इस वक्त ईमेल भेज सकते हैं dth.class10@cit.nic.in पर। कोई भी डिस्क्रिप्टिव अगर आपको क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप हमें ज़रूर ईमेल करें, और आप हमसे जुड़े रहते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी। और हम अपनी चर्चा पर वापस चलते हैं। जी तो हम डिस्कस कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वी वर डिस्कसिंग दैट पॉइंट ए बी एंड सी, दीज ऑल वैल्यूज आर कॉन्स्टेंट्स एंड दीज आर रियल नंबर्स, एंड वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि देखिए, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही जीरो हो जाएगा, अगर ए जीरो हो जाएगा, देन दिस कंप्लीट टर्म विल नॉट, दैट केस आर इक्वेशन विल बी बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो विच विल बिकम लीनियर। सो लीनियर इक्वेशन के बारे में नहीं हमें डिस्कस करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो इट इज अ मस्ट दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल नेवर बी जीरो। लेट अस राइट सम एग्जांपल्स। इफ आई एम राइटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू जीरो, देन दिस ज्वेलर्नर्स, हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे पूरे महीने के स्केड्यूल जानना चाहते हैं एडवांस में या फिर वीक वाइज जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप लॉगिन करें हमारी वेबसाइट CIET की, और आप स्वयं प्रभा की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं मंथली और वीकली पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। पूरे स्केड्यूल के बारे में आपको बताया जाएगा वहाँ पर, और ये तमाम तरीके हैं जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं, और आपको प्रीवियसली यानी कि पहले से ही पता चल जाएगा कि कौन सा सेशन किस समय आने वाला है, ताकि आप अपने रुचि के अनुसार वो सारे पाठ्यक्रम और वो सारे सेशन देख सकें और अपने नॉलेज इन्हांस कर सकें। पीएमई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारे सेशन जिनसे आपका रابطہ रहता है और जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके कोर्स के लिए ज़रूरी है। और हम आपको एक बार फिर से बता दें ब्रीफ इन्फॉर्मेशन कि आप कौन कौन से प्रोग्राम आज पूरे दिन भर सुन सकते हैं और देख सकते हैं हमारे पीएमई विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और 2:30 बजे हम सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आएंगे टॉपिक नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट वन। तो पार्ट वन पर यानी कि भाग एक के बारे में आपसे बात की जाएगी, और 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है ये टॉपिक, और साइंस के 9th ग्रेड के स्टूडेंट्स सुनना और देखना ना भूलें हमारा 3 बजे का सेशन, जिसमें हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इस टॉपिक पर। इंग्लिश के 9th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए भी हम एक टॉपिक लेकर आएंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, समय रहेगा 3:30 बजे। आप इन तमाम प्रोग्राम्स में, इन सभी प्रोग्राम्स में हमसे जुड़ सकते हैं। 4 बजे हमेशा की तरह हम लेकर आते हैं वेबिनार, जिसमें हम बात करते हैं ICT टूल के ऊपर, और ICT टूल इस समय पर बहुत ज़्यादा रेलेवेंट और क्रूशियल हो जाता है और बहुत ज़रूरी हो जाता है एजुकेशनल सेंटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस टाइम पर। 5 बजे हम लेकर आएंगे सहयोग सेशन, जिसमें हम बात करते हैं मेंटल वेलबींग पर। हम आपको बार बार बताते रहते हैं कि हम गाइडेंस पे बात करते हैं, बच्चों का मेंटल वेलबींग मानसिक स्वास्थ्य किस तरह से बढ़ा सकते हैं, किस तरह से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर सेशन पे हम इस बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिलेक्टिव म्यूटिज़म के बारे में, और म्यूटिज़म क्या होता है, सिलेक्टिव म्यूटिज़म क्या होता है, इन सभी बातों पर रोशनी डाली जाएगी आज 5 बजे। तो आप 5 बजे सहयोग सेशन का हिस्सा बनना ना भूलें। और हम दोबारा चलते हैं मैम के पास, और मैम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी चर्चा को जारी रखें। मैम, मिस सविता मैम, मैम आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हम अपनी एक्सपर्ट से कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश। हेलो,
हम अपने एक्सपर्ट से कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश में हैं, और डियर लर्नर्स आपको बस एक काम करना है, आपको हमारे साथ बने रहना है हमारे पीएम ई विद्या चैनल यानी कि प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल पर, एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ये तमाम जानकारियां हैं जो हम आपके लिए लेकर आते हैं, आपको ये जानकारी जानना और याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ सर्टन इन्फॉर्मेशन है जो हम आपके लिए लेकर आते हैं खास तौर पर। सविता मैम, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी, मैं आपको सुन जी मैम, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी चर्चा को जारी रखें, प्लीज कंटिन्यू। जी, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि अभी -7x + एंड दिस इक्वेशन वी कैन सी दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, द कोएफिशिएंट ऑफ x इज -7 and the coefficient of, we must say, and the constant term is 10. So this is a quadratic equation and this has been written here in standard form. How can we see that this is in standard form? Because standard form में हम जब भी terms को लिखते हैं, the terms must be written in descending order of their degrees. Means here the degree of x is 2, then the degree of x is 1, and this is a constant term, or we can say that degree of the variable is 0. So this is the standard form for writing a quadratic equation. Now let us discuss about pure quadratic equation. If we talk right. about pure quadratic equation, then it is in the form of ax square plus c. That means in this case b can be 0. The coefficient of x is 0, then we will say that this is a pure quadratic equation. So let us now see that what will be the method for solving quadratic equation. But before discussing these methods, let us discuss about the roots of quadratic equation. So, जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल करते हुए सीखा था, जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल, वेदर द पॉलीनोमियल इज लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, सो जीरोस जो होती है द सेम वैल्यूज विल बी नॉन एज रूट्स हियर। मींस x की जिस वैल्यू के लिए हमारा कंप्लीट पॉलीनोमियल इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट वैल्यू विल बी नॉन एज 0। द सेम हैज बीन रिटन हियर इन द फॉर्म ऑफ द डेफिनेशन। If x is equal to alpha is there, and this will be said to be a root of given quadratic equation if and only if x is equal to alpha satisfies the quadratic equation. So satisfy करने का मतलब क्या है? It means that in place of x, if we are putting alpha, then it will become a into alpha square plus b into alpha plus c equals to 0. अगर x के प्लेस पर हम अल्फा पुट करते हैं और कंप्लीट वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, देन वी विल से दैट x इक्वल टू अल्फा इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट अस सी एन एग्जांपल। लेट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट अस ट्राई टू पुट x इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन। If we are putting x equals to 1, then it is 1 square minus 3 into 1 plus 2. Of course, we can say it is 1 minus 3 plus 2. That means 3 minus 3, and 3 minus 3 is equal to 0. So, x is equal to 1, हमारी given equation को satisfy कर रहा है. So, satisfy करने का मतलब, we will say that 1 is a root of given quadratic equation. So, since the equation is quadratic, so dear viewers, आप चैटबॉक्स में बता सकते हैं कि there are how many zeros or how many roots of a quadratic equation. Since the degree is 2, therefore the zeros will also be 2. The maximum number of zeros or maximum number of roots will be 2. For example, if this equation is there, तो हमने इसकी एक zero या एक root हमने बता दिया, that x is equal to 1 is the root of this equation. There will be one more root for the same equation. Yeah, there is a possibility that the other root that can be same or that can be different.
So for finding these two roots, we have to know about various methods. And there are three methods for solving a quadratic equation. The first method is factorization method, then completing the square method, and the next method is quadratic formula. Out of these factorization methods, जो है वो हमारे viewers ने already class 9th में किया है, class 10th में कई सारे भी quadratic polynomial भी आप लोगों ने factorization method से किसी भी quadratic polynomial को कैसा solve किया जाए ये हमने सीखा. But today we will discuss much more about the same. Very first question here is, check whether the following are quadratic equations. हम factorization method से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना हम सीखेंगे, बट उससे पहले हम चेक करना सीखते हैं कि गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और इट इज नॉट. और उससे भी पहले हम कुछ एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं फ्रॉम आवर रियल लाइफ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनता किन किन कंडीशन में है. सो वी हैव सीन इन आवर वन ऑफ द सेशन अ बनाना. तो बनाना की जो शेप है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलीनोमियल मोस्ट ऑफ द टाइम quadratic polynomials of course because uski shape in the form of a parabola hoti hai. Similarly, if a player is trying to throw a basketball in the basket, then the ball will be taking a curve. Jo shape banegi wo ek curve ki shape banegi and that shape is too parabolic. So parabolic shape ko hum present karte hain quadratic equation ke. Ab zara dekhte hain ki given तीन पार्ट्स में से कौन कौन से पार्ट्स ऐसे हैं विच आर शोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड विच आर देयर नॉट बीइंग क्वाड्रेटिक. सो द वेरी फर्स्ट पार्ट इज देखने में हमें लग रहा है यहाँ पर x की पावर 2 है तो इट इज क्वाड्रेटिक, बट लेट अस सॉल्व एंड ओनली आफ्टर सॉल्विंग इट वी गेट x पे इट इज x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू x माइनस 3. So we have a plus b whole square, हमने identity follow की and finally we have x square plus 2x minus x, it becomes positive x, positive 4 equals to 0. Since the coefficient of x square is 1 and the highest degree of x is 2, therefore this is a quadratic equation. Similarly, let us discuss the second part now. It is x minus 2 into x plus 1 is equal to x minus 1 into x plus 3. So in equations ko bhi hum solve karte hain aur dekhte hain ki quadratic banta hai ya nahi. It is x square positive x negative 2x negative 2 is equal to x square on multiplication we are getting positive 3x minus x and minus 3. तो अभी लेफ्ट हैंड साइड पर x स्क्वायर इज एग्जिस्टिंग और राइट हैंड साइड पर भी x स्क्वायर है, तो हम देख सकते हैं कि x स्क्वायर कैन बी कैंसिल्ड फ्रॉम x स्क्वायर. अभी जो इक्वेशन हमारे पास बचती है दिस इज कंप्लीटली लीनियर क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 1 है. सो वी विल से दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिमिलरली द थर्ड पार्ट इज हियर एंड आई विश आवर व्यूअर्स विल सॉल्व दिस पार्ट देन एंड लेटर. Now let us discuss one more question related to the same. It is determined whether the given values are the solution or roots of the given equation or not. हमें x की two values given है. The very first value is x equals to positive a upon b and the second value is x equals to b upon a. We want to check कि इनमें से कौन सी value देती है जो हमारी equation को satisfy करेगी. The value which will satisfy the equation will be not solve करते हैं. Let us put given equation. So what will it become? And after this
positive 2b square. So we had a raised to the power 4 divided by b square minus it is 3a square positive 2b square is equal to 0. हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर किसी भी तरह से जीरो नहीं आता. सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर नॉट इक्वल. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड वी कैन से दैट द गिवन वैल्यू x इज इक्वल टू a अपॉन b इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. सो दिस इज द वे अगर हमें x की कोई भी वैल्यू गिवन है हम चेक कर सकते हैं whether that is the solution of the given equation or not. Now let us try to solve the second part of the same. Yes. So here it is x equals to b upon a. This time हमें क्या put करना है? x equals to b divided by a. So what will our equation become? I डियर लर्नर्स, अभी आप जानकारी ले रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट वन पर और हमारे एक्सपर्ट आपको बता रही हैं कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या उनकी वैल्यूज़ रहती हैं, किस तरह से आप वो पूरी इक्वेशंस को आगे लेके जाएंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट वन पर हम बात कर रहे हैं, टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है. यस मैम जी. So it is a square into, in place of x हमें जो वैल्यू अभी पुट करनी है, it is b upon a. अगर हम x के प्लेस पर b upon a पुट करते हैं, तो we are getting a square into b upon a whole square. The value of x is b upon a. So see, we will check कि क्या हमारे पास left hand side को solve करने पर वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल, दैट मीन जीरो के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही. सो वी डू हैव सिंस हियर इट इज b² 3b² माइनस 3b² इक्वल्स टू जीरो. सो वी हैव जीरो इक्वल्स टू जीरो एंड विच इज अनडाउटेडली अ true statement. Therefore, we will say that x equals to b upon a is the solution of the given equation. Dear viewers, हम कोशिश करते हैं आप तक best पहुंचा सके, but sometimes technical issues are there. So let us discuss जितना अभी तक हमने discuss किया है, एक बार इसको वापस हम discuss करेंगे, तो only after that we will proceed further. Sure, ma'am. What is the quadratic equation? If quadratic polynomial is equated to zero, that is a quadratic equation. How can you write it in standard form? If we arrange the powers or degrees of x in the descending order, means first of all the highest degree, then the degree 1, then the degree 0. Then we have discussed what do we mean by the roots of a quadratic equation. And we will discuss various methods of solving quadratic equations. The very first method is factor addition method, which we are discussing today. And in the upcoming session, we will discuss about completing the square method and quadratic formula. So we learn that whether the given equation is quadratic or we have also learned whether a given equation is quadratic or it is not. Now we are discussing one more question. What it is? Find the values of p and q, where p and q can be seen here. P2 here, this is the coefficient of x square and q is the coefficient of x. Here x is equal to 3 by 4 is given to us, x equals to minus 2 is given to us. और ये दोनों वैल्यूज जो है गिवन इक्वेशन की रूट्स हैं. तो रूट्स का मतलब क्या हुआ कि x is equal to 3 upon 4 हमारी गिवन इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेटिस्फाई करता है. सेटिस्फाई में इन प्लेस ऑफ x वी कैन पुट 3 upon
equation in the form of P and Q, and this equation is 9 upon 16 P plus 3 Q divided by 4 minus 6 equals to 0. 16 can be taken as LCM here, and our equation becomes 9 P plus 12 Q minus 96 equals to 0. Similarly, if all three of two given and that 0 is x equals to minus 4. So this time x ke place par hum kya put karenge? We will put x equals to minus 2. So your equation now is p into minus 2 square, q into minus 2, minus 6 equals to 0, and finally the second equation is 4p minus 2q minus 6 equals to 0. अभी ये जो दो इक्वेशन आपके सामने हैं, इन दोनों इक्वेशन को बहुत ध्यान से आप ऑब्जर्व कीजिए. इन बोथ ऑफ द इक्वेशन यू कैन सी टू वेरिएबल, वेरिएबल p एंड वेरिएबल q, एंड द डिग्री ऑफ बोथ ऑफ दीज वेरिएबल्स इज 1. तो अभी जो क्वेश्चन में सॉल्व करते करते आप किस स्टेप पर पहुंच गए हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन. आपने जस्ट पहले जो सेशन कंप्लीट किया है, यानी इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हुए, देयर इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी कि जो कुछ आपने पहले के सेशन में सीखा है वो भी आपको यूज करना पड़े. सो लीनियर इक्वेशन की हेल्प से यू विल सॉल्व बोथ ऑफ दीज इक्वेशन एंड यू विल बी एबल टू फाइंड पी एंड क्यू बोथ. यस, अभी हम देखते हैं एक क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज सॉल्व बोथ ऑफ दीज by using factorization method. So the equation is x square minus 2ax plus a square minus b square equals to 0. और इस equation को solve करके हमें value calculate करनी है x की. Since there are variables, a variable x and two unknown constants are there, and these two unknown constants are a and b. पूरा सा हमने क्वेश्चन का लेवल अप लिया है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन हम सॉल्व करना ऑलरेडी सीख चुके हैं अंडर द टॉपिक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. सो व्हाट वी हैव डन, हमें क्लू दे रही है कि कांस्टेंट टर्म, द कांस्टेंट टर्म इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो वी कैन फैक्टराइज इट एंड कैन राइट इट एज a माइनस b इनटू a प्लस b. अभी फैक्टराइजेशन मेथड ही हमें यूज करना है. तो आपको सोच रहे होंगे कोई दो ऐसे फैक्टर, यू विल स्प्लिट द मिडिल टर्म सो दैट सम आ जाए नेगेटिव a और प्रोडक्ट आ जाए a माइनस b इनटू a प्लस b. सो लेट अस ट्राई फॉर दिस. इट इज x स्क्वायर माइनस a माइनस b. Now it will be easier to view. हमने क्या किया, हमने 2a को लिखा है a minus b into a plus b. ऐसा करके लिखने पर मैम हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे प्लीज ब्रीफ में आप इसे रैप अप करें, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम बचा है. जी बिल्कुल, we will complete this question and after that we have to complete the session today. We'll continue with the questions of the same kind in the coming session. श्योर मैम, दैट वुड बी नाइस. और डियर लर्नर्स, हम बात कर रहे थे 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1 पर, और आपको जानकारी दे रही थी हमारी एक्सपर्ट मिस सविता ग्राक. और मैम हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपके इस सेशन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच. इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें जो हमने आज डिस्कस किया, ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ा सा हमने क्वेश्चन कम हुए, बट जो हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया है वो आप लोग जरूर अच्छे से रिवाइज करें, एंड वी मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक. डेफिनेटली, और जब तक हम नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे, आप हमें ईमेल के थ्रू अपने सारे डाउट्स और क्वेरीज और जो मैम ने आपको क्वेश्चंस बताया आप हमें भेज सकते हैं. हमारी ईमेल एड्रेस है dth.class10@cit.nic.in. तो डियर लर्नर्स, हम इंतज़ार करेंगे आपके मेल्स का, और ये सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं. मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इस सेशन के लिए अनुमति. नमस्कार.